दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है मेजर जनरेशन लीप, लेकिन उससे पहले की कहानी में जाते जाते अभिमन्यु ने मांग लिया है अक्षरा से एक बहुत बड़ा वादा, जिसके बाद जनरेशन लीप की कहानी पूरे तरीके से बदल जाएगी। क्या मांगा है ऐसा अभिमन्यु ने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले, चलिए आपको बताते हैं जनरेशन लीप के पहले की कहानी, वो भी पूरे विस्तार से। Well, hello and welcome to Telly Express, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलती हैं Star Plus सुपर हिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप सबसे पहले। दोस्तों, अब यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए अक्षरा, अभिमन्यु और अभीर नजर आ रहे हैं। वो एक बड़े शहर से छोटे शहर पे आ चुके हैं, घर खरीद लिया है और अभिमन्यु को नई नौकरी भी मिल चुकी है और साथ ही साथ अभीर का स्कूल में एडमिशन हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से अभीर ने वही सवाल पूछा है कि क्या आप दोनों शादी कर लेंगे, क्या आप एक हैप्पी फैमिली मेरे लिए बना सकते हैं, जिसके बाद अक्षरा फिर से डर गई, क्योंकि वैसे ही 3 बार शादी होने की कोशिश ये लोग कर चुके हैं जिसमें हर बार कोई ना कोई अड़चन आई है। लेकिन इस बार एक परिवार बनेगा, क्या ये दोनों शादी कर पाएंगे, ये सवाल अब अक्षरा को डराने लगा है। लेकिन फिर भी अक्षरा और अभिमन्यु शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। अक्षरा मंदिर में इन दोनों का इंतजार करेगी और अभिमन्यु एक बारात की तरह अपने बाराती और बेस्ट मैन अभीर के साथ शेरवानी में पहुंचेगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लैंडस्लाइड होगी जिसमें ये दोनों दब कर मरने वाले होंगे। एन मौके पर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा और जैसे ही अक्षरा को पता चलेगा वो भी हॉस्पिटल आएगी। वहां पे वो अभिमन्यु की लाश को देखेगी। अभिमन्यु में थोड़ी सी जान बाकी होगी और वो उसका हाथ पकड़कर आखिरी वादा मांगेगा। वादा ये कि तुम होने वाली बच्ची का नाम अभीरा रखोगी, अभीरा नाम होगा और इसको तुम उतना ही प्यार दोगी जितना तुमने मुझे मेरे बेटे को दिया था। तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं रोकोगी और किसी भी चीज के लिए खुद को ब्लेम नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी में अभीरा की वही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जो हमारी थी। तुम्हें अभीरा में मैं और जूनियर दोनों मिल जाएंगे। ये कहकर अभिमन्यु इस दुनिया को छोड़ देता है और अभीर तो उसी वक्त दुनिया से चला गया था जब लैंडस्लाइड के दौरान पत्थर उसके ऊपर गिरा। दोस्तों, जनरेशन लीप आने वाला है कल से और अब ऐसे में आप लोगों को कहानी कितनी दिलचस्प लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।